Realme ने हाल ही में लॉन्च किया अपना नया X7 सीरीज में एक स्मार्टफोन विच इज द Realme X7 Max 5G जो काफी सारे अमेजिंग फीचर्स के साथ मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया है। वेल, इसके अंदर आपको ग्रेटेस्ट प्रोसेसर मिलने वाला है, अमेजिंग कैमरास मिलने वाले हैं और बैटरी भी मिलने वाली है एकदम बढ़िया एंड व्हाट नॉट। अब ये फोन मार्केट में किन किन फोन्स को देने वाला है तकली टक्कर जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं Realme X7 Max 5G को, जानेंगे इसके बारे में सब कुछ। लेकिन इससे पहले आपको पता आपको क्या करना है, जागरण हाईटेक को सब्सक्राइब करना और इस बेल आइकन को भी क्लिक करना है ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो अपडेट्स मिस ना कर पाए। सो विदाउट मच फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं फोन के लुक एंड फील की। वेल, द मोमेंट यू ओपन द बॉक्स आपको ये फोन काफी अट्रैक्ट करने वाला है। ये काफी एक ड्यूअल पैनल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका जो बैक पैनल है एक ग्लॉसी और एक मैट फिनिश के साथ आता है। ये जो इसकी मैट फिनिश है ये काफी अच्छी है, काफी अच्छा लग रहा है। इसको आप बगैर कवर के भी यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि फिंगरप्रिंट और स्मजेस नहीं अट्रैक्ट करेगा, लेकिन हाँ जो इसके ग्लॉसी वाला पैनल है वो जरूर फिंगरप्रिंट्स और स्मजेस अट्रैक्ट करता है। जो इस वक्त बात करते वक्त मैं आपसे जब बात भी कर रही हूँ तब भी इसके अंदर वो आपको स्मजेस फील हो रहे होंगे। और लाइक यू सी, पहले Realme डेयर टू लीव की ब्रांडिंग नहीं होती थी, Realme की ब्रांडिंग होती थी। तो इस पैनल के ऊपर Realme डेयर टू लीव की ब्रांडिंग दी गई है। कैमरा का साइज भी काफी अच्छा रखा गया है, इतना बड़ा नहीं है, छोटा भी नहीं है। 3 कैमरा लेंसेज इसके अंदर अच्छे से फिट कर रखे हैं और यहाँ पे भी 64 मेगापिक्सल ट्रिपल रेयर कैमरा लिखा हुआ है। वेल, डिजाइन इसका काफी अच्छा है। द बेस्ट पार्ट इज दैट द साइज ऑफ द फोन, हाँ थोड़ा छोटा है बाकी फोन के मुकाबले, लेकिन इट फिट्स परफेक्टली वेल इन माई हैंड। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द फोन। अब बात करते हैं इस फोन में आपको और क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। वेल, डिस्प्ले की बात, जैसे आपको काफी थिन बेजल्स मिलते हैं देखने को इस फोन के अंदर। डिस्प्ले अच्छे से पूरे कॉर्नर तक स्प्रेड की गई है ताकि आपको वीडियो देखते वक्त ज्यादा परेशानी ना हो। सेल्फी कैमरा भी छोटा सा लेफ्ट टॉप कॉर्नर में प्लेस किया गया है, जो आपके गेमिंग के वक्त या वीडियो देखते वक्त बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। इसके अंदर आपको 6.43 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, विच कम्स विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, विच यू कैन ऑल्सो चेंज इट टू 60 हर्ट्ज अकॉर्डिंग टू योर यूसेज ऑफ द फोन। फोन को अनलॉक करने के लिए इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है, जो काफी बढ़िया काम करता है और रिस्पॉन्सिव भी है। पर्सनली स्पीकिंग तो आपको वाकई इस फोन में वीडियोस देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। प्रोसेसर की तरफ चले तो Realme X7 Max 5G का प्रोसेसर ही सबसे तगड़ा प्रोसेसर है, इसी कारण आप कह सकते हैं कि इस मॉडल को मैक्स का नाम भी दिया गया है। Realme ने इसमें MediaTek Dimensity 1200 का प्रोसेसर दिया है, जो MediaTek की टॉप मोस्ट लाइनअप में से एक है। Realme X7 Max 5G is also the first Dimensity 1200 powered phone in India. इस प्रोसेसर का एक्सपीरियंस काफी शानदार रहा है, मुझे फोन में कोई भी लैग देखने को नहीं मिला। ऐप स्विच करते वक्त भी काफी इजीली इसने साथ निभाया है, कोई ज्यादा हीटिंग इश्यूज भी नहीं देखने को मिले अगर मैंने फोन काफी लंबे समय तक इस्तेमाल भी किया। In all, this is actually one amazing processor that has been used in the phone. Operating system की बात की जाए तो आपको इसके अंदर Android 11 पर based Realme UI 2.0 मिलता है। फिलहाल Realme की तरफ से ये clear नहीं हुआ है कि इसमें Android 12 कब तक आ जाएगा। मगर ये सब देखने के बाद और experience करने के बाद, the processor has worked really well of this phone. Camera, इस phone में आपको 64 megapixel का Sony IMX 682 का सेंसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है। एंड आपकी सेल्फी के लिए भी इसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। फिर मैंने इस फोन से काफी पिक्चर्स क्लिक की हैं एंड मुझे इसमें फोटोज का रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिला है। डे लाइट फोटोज में भी इसमें कलर्स काफी हद तक नेचुरल देखे गए हैं और लो लाइट फोटोग्राफी में भी इसमें शानदार एक्सपीरियंस मिला है। आपको सेल्फीज भी काफी अच्छी मिलने वाली है इस फोन से, काफी नेचुरल टोन देखने को मिल जाती है और फिल्टर्स भी यूज करने का ऑप्शन मिलता है इस फोन में आपको। वीडियोस भी अगर आप बनाएंगे तो वो भी काफी अच्छे से बन जाती हैं, ज्यादा डिस्टॉर्टेड वीडियोस नहीं बनती हैं। इसका स्टेबलाइजेशन भी इस प्राइस रेंज के हिसाब से
काफी बढ़िया काम करता है, तो ओवरऑल इसका कैमरा भी आपको निराश नहीं करने वाला है। बैटरी की बात करें तो Realme X7 Max 5G में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, जो एक बार चार्ज होने के बाद करीबन आपका पूरा दिन साथ निभाती है। इस फोन के साथ आपको 50 वॉट का सुपर डार्ट चार्जर मिलता है, जिसे कंपनी कहती है कि सिर्फ 16 मिनट के अंदर ये 0-50% तक आपका फोन चार्ज कर देता है, और वह ये बहुत अच्छे से काम भी करता है। अब बारी इस फोन के फाइनल वर्डिक्ट की, तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की। तो अराउंड 27,000 तक आपको ये फोन पड़ता है, विच आई फील गेट्स हैज द अमेजिंग प्रोसेसर। आपको एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है इसके अंदर, कैमरा भी काफी अच्छे से काम करता है, डिस्प्ले इतनी अच्छी है, फोन का साइज, फोन का वेट इतना अमेजिंग है। आई थिंक विद दैट काइंड ऑफ प्राइस रेंज ये Realme की तरफ से एक बहुत ही अच्छी डील है। तो ये तो था मेरा रिव्यू Realme X7 Max 5G का। आपको ये फोन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और उन लोगों के साथ इसका लिंक जरूर शेयर करें इस वीडियो का, जो एक ऐसे ही फोन की तलाश में है और जिनका बजट भी 30,000 के अंडर एक फोन लेने का है। वेल, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।